नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके कॉर्ड्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में माय गेटवे TDL की सारी फीचर्स को देखेंगे। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में दोस्तों अंत तक। TDL लोड करने के पहले के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे TDL मैंने लोड कर दिया, ठीक है, सक्सेसफुली लोड हो गया। लोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कॉन्फिगर जाना है, और कॉन्फिगर में एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे यूजर पासवर्ड, इसको आप चेंज कर लेना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 मैंने इसको चेंज कर लिया, नहीं तो आप जब भी टेली को टेटल लॉक करने के बाद ओपन करेंगे तो इस टाइप का इंटर पासवर्ड आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहला ये काम करना है। ठीक है, दूसरा आते हैं टीस के फीचर्स में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग दिखाता है, आप 3 4 TDL लोड करने के बाद जितनी रिपोर्टिंग प्राप्त करेंगे यह एक ही TDL में पूरा रिपोर्ट आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे जो मंथली वाइज आपका वाउचर है, जैसे सेल्स का है, सेल्स में आप जैसे इंटर करोगे तो आपका जो भी सेल फिगर है, जो भी GST अमाउंट अलग अलग निकाल के आपको ये TDL दे देगा मंथ वाइज। देखो जैसे यहाँ पे ये मंथ वाइज पूरा ये निकाल के दे दिया है। तो ये किसका बढ़िया फीचर्स है। दूसरा आपको बता दो, इसमें सेम वैसे आप परचेज का भी देख सकते हैं, परचेज में भी सेम वैसे ही कर देगा ये। ठीक है, IGST CGST जितने भी ये खर्चे सब एक साथ आपको ये टैक्स निकाल के दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी खर्चों की, इनकम और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक्सपेंसेस रिपोर्ट। ठीक है, ये एक्सपेंसेस रिपोर्ट आपका पूरा मंथ वाइज निकाल कर दे देगा। ठीक है, और इस TDL में खास ये है कि जितनी भी खर्चे रिपोर्ट है आप इसको यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखा रहा हूँ, ये आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको वर्किंग करने के लिए या बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, ये देखिए आपका ये एक्सेल में रिपोर्टिंग निकाल के दे दी है। इसी तरीके से अब आगे रिपोर्टिंग देखते हैं। अब इसमें आ जाते हैं एक इनकम की रिपोर्ट। इनकम की रिपोर्ट में भी सेम ऐसी वो दिखा देगा आपको जो भी आपकी इनकम से होगी। फिर उसके बाद आपको आना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ट, यहाँ पे भी सेम ऐसी आप अगर कॉन्फिगर कर देंगे इस रेट को तो ये पूरा डेप्रिसिएशन चार्ट निकाल देंगे। इसको भी आप यहाँ से एक्सेल में ले सकते हैं, एक्सेल में PDF में किसी में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे PDF वगैरह सब का ऑप्शन है। और आते हैं इसके फीचर्स में, और एक आपका आता है माय डैशबोर्ड। माय डैशबोर्ड में ये है आपका जो कैश है आपके बुक्स में, जो स्टैंडिंग है, जो कैपिटल है, जो लोन्स है, सब आपको दिखा देगा। ठीक है, ये इसकी बढ़िया फीचर्स है। और इसमें यहाँ पे आप ये जो दिख रहा है टॉप 20 कस्टमर्स, ये सबके रिपोर्ट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दे रहा है यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दे रहा है। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपको शॉर्टकट यहीं टेली से बैठे बैठे आपको कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो आप यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट दिख रहे हैं यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो एक्सेल खोलना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ M दबाना है और एक्सेल खोल देगा 95। ठीक, और उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे इनकम टैक्स GST की साइट खोलना है तो ये आप G दबाएंगे खोल देगा। अभी तो मैंने कंप्यूटर में नेट बंद है तो ये नहीं हो पाएगा, तो अब MS Word देखते हैं, यहाँ W दबाते हैं, इसको एंटर करते हैं तो ये MS Word को ओपन कर देगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे MS Word को भी इसने ओपन कर दिया है। ठीक है, MS Word भी खोल दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके और फीचर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसका बढ़िया फीचर्स ये देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स आपको देगा। किसी पार्टी का बैलेंस देखना है आपको यहीं पे F2 दबा के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को देखना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देगा 5,29,681 रुपये। तो आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वैसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे GST रेट देखना है तो दिख जाएंगे आपको। ठीक, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसमें
रिपोर्टिंग में क्या दिखाता है। और इसमें सबसे बढ़िया एक चीज मेरे को देखने को ये मिली, ये नंबरिंग करके देता है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डे बुक खोला, ठीक है, मैं डे बुक खोलने के बाद यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, डेट चेंज कर, सॉरी, यहाँ पे डेट लेता हूँ मैं ऑल टैब टू, 1/4/18 से डेट लेता हूँ, 31/3/19। ठीक है, इस बुक्स में जितनी भी एंट्री है तो नंबरिंग वाइज आपको दिखा देगा कितनी एंट्री हुई है। ठीक है, मैं इंड में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 601 एंट्री हुई है। ठीक है, 601 एंट्री यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आप इस एंट्री को आप यहाँ से एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका बहुत बढ़िया फीचर्स है जो मेरे को लगा कि ये ट्यूटोरियल आपसे शेयर करना चाहिए, ताकि जो आप काम करते हैं उसमें काफ़ी हेल्प हो चुके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इससे रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं हमें। धन्यवाद।